हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द प्रोफेसर में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक कार के अल्टरनेटर को, जो कि बैटरी कार की चार्ज करता है, उसको 220 वोल्ट की बिजली बनाने में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये 12 ही वोल्ट निकालता है। तो इससे 220 वोल्ट कैसे निकलेगा और क्या वायरिंग होगी, उस सब के बारे में ये वीडियो आज की है। तो दोस्तों, 220 वोल्ट बनाने के लिए दो तरीके हैं। पहला, या तो आप एक इन्वर्टर को इस्तेमाल करके इसमें लगा दीजिए, और दूसरा बिना इन्वर्टर के, जिसमें ये जो हम हाथ में पकड़े हैं ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है 3 फेज का, इसको जो है फिर अल्टरनेटर से निकाल कर अलग करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अल्टरनेटर के पिंस आपके पास बचेंगे वो 3 फेज स्टार कनेक्टेड वायर्स हैं, 3 फेज के वायर्स हैं जो कि स्टार में कनेक्टेड है जिनकी वाइंडिंग। तो टोटल में 3 होंगे और एक चौथा होगा जो कि टैपिंग पॉइंट होगा और जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बाकी का जो लाल और जो नीला तार है वो आपका अंदर का जो रोटर और फील्ड है, इसमें रोटर ही फील्ड होता है, रोटर और फील्ड है, उसको एक्साइट करने के लिए ये दोनों तार हैं। तो उसको एक्साइट करने के लिए मैं ये 12 वोल्ट का अडैप्टर का इस्तेमाल करूँगा, जिससे ये रोटर एक्साइट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटर के अंदर बनाएगा। और फिर जब इस अल्टरनेटर की पुली को घुमाएंगे तो अंदर का रोटर भी घूमेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर जो आर्मेचर है उसके चारों तरफ उसमें इंड्यूस होगी, जिससे करंट जनरेट होगा। ये वाली जो पावर सप्लाई है ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर की पावर सप्लाई है। आप 12 वोल्ट 1 एम्पियर की भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो मोबाइल का चार्जर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिर्फ 5 वोल्ट का ही होता है। पर यह है कि जितना कम आप सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको RPM देना पड़ेगा, ज़्यादा बिजली या ज़्यादा वोल्टेज पाने के लिए। एक दिक्कत हो गई दोस्तों, जिस पावर सप्लाई का मैं इस्तेमाल करने वाला था इस अल्टरनेटर के फील्ड को पावर अप करने के लिए, वो ख़राब हो गया। तो उसकी जगह मैं इस 12 वोल्ट 7 एम्पेयर की UPS की बैटरी का इस्तेमाल करूँगा अंदर अल्टरनेटर का जो रोटर है उसको एक्साइट करने के लिए। तो सबसे पहले इस बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से चार्ज है, 12 वोल्ट 12.24 दिखा रहा है, 12.24, तो ये फुल्ली चार्ज्ड बैटरी है और ये अंदर के रोटर को एक्साइट कर ले जाएगी। तो अब आ जाते हैं कनेक्शंस पे। अल्टरनेटर का जो रोटर है उसके कनेक्शंस में दो तार हैं, एक तो ब्लू वाला मैंने बताया था और एक रेड वाला। तो जो ब्लू वाला है वो मैंने कनेक्ट नहीं किया है, पर रेड वाला मैं बैटरी में कनेक्ट कर चुका हूँ। अब एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं मैं बैटरी के जब दूसरे टर्मिनल पे उसको छुआ रहा हूँ तो स्पार्किंग हो रही है इंडक्टेंस की वजह से वाइंडिंग के, जिसका मतलब है कि अंदर की वाइंडिंग बिल्कुल सही है और कनेक्शन बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ जो 3 फेज पिंस हैं अल्टरनेटर की, उसके दो टर्मिनल्स पर मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है और मल्टीमीटर को AC वोल्टेज की तरफ पॉइंट किया हुआ है, क्योंकि रेक्टिफायर तो हटा चुके हैं जो कि AC से DC में कन्वर्ट करता है। तो अब जो हमारी बिजली बनेगी वो AC में ही होगी, और 3 में से सिर्फ 1 फेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। तो चलिए अब रस्सी चढ़ा दिए, खींचते हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज बनता है। आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं बना है, क्योंकि पहले फील्ड को एक्साइट करना पड़ता है बैटरी से या किसी पावर सोर्स से, तभी बिजली जनरेट होती है। तो अब मैंने जो ब्लू वाला तार था फील्ड का, वो मैंने बैटरी में दूसरे टर्मिनल में भी लगा दिया है, तो अब ये बिजली बनाना शुरू कर देगा। तो चलिए रस्सी चढ़ाते हैं और फिर खींच कर देखते हैं। तो देखिएगा, अब ये आप देख सकते हैं करीब इसने 8.6 वोल्ट निकाल दिया है। और आपने देखा होगा जैसे ही इसने ये शो किया उसके बाद मैंने फौरन बैटरी के एक टर्मिनल को निकाल दिया, हटा दिया, जो कि अल्टरनेटर से कनेक्टेड था, ताकि बैटरी ख़त्म ना हो। अब आ जाते हैं इस बात पर कि कैसे 220 वोल्ट AC निकालनी है। तो उसके लिए जो दूसरा तरीका है वो है एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल, जिसमें कि जो 3 फेज निकल रहे हैं अल्टरनेटर से, उन तीनों में से किसी भी एक फेज को उठाएंगे और उस एक फेज को ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज 12 वोल्ट की साइड है उसमें कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये UPS का ट्रांसफार्मर है तो इसकी एक साइड 12 वोल्ट की है और दूसरी 220 वोल्ट की।
तो जो ऑल्टरनेटर के तीन फेजेस हैं उसमें से किसी भी एक फेज को उठाएंगे और 12 को 12 से कनेक्ट कर देंगे, और फिर जब हम ऑल्टरनेटर की पुली को रस्सी बांध के खींचेंगे तो उसकी जो दूसरी हाई वोल्टेज साइड है उस पे हमको 220 वोल्ट मिल जाएगा। और उस मेजरमेंट के लिए हम मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल्स को ट्रांसफार्मर के आउटपुट हाई वोल्टेज साइड पर कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और उसमें दो ही तार हैं, तो ऑल्टरनेटर के तीन तारों से तो कनेक्ट किया नहीं जा सकता, तो इसलिए दो तारों में कनेक्ट करेंगे, इसीलिए वो एक तरह से सिंगल फेज में ही कनेक्ट होगा। तो चलिए फिर, अब सारे कनेक्शंस हो चुके हैं, अब जल्दी से ऑल्टरनेटर की पुली पे रस्सी चढ़ा लेते हैं, और उसके बाद जो बैटरी का एक टर्मिनल बचा है जिस पे ऑल्टरनेटर के रोटर का एक तार कनेक्ट होना बाकी है, उसको कनेक्ट करके फिर फौरन रस्सी खींच लेते हैं और देखते हैं कि अब की बार ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमारा कितना वोल्टेज जनरेट हुआ है। तो इसे करते हैं कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गया और देख सकते हैं आपकी करीब करीब इसने 88 वोल्ट एसी निकाल दिया है हमारा। इसी तरह से जब आरपीएम इसका और तेज़ होगा, जब रस्सी और तेज़ खींची जाएगी या ऑल्टरनेटर की पुली को और ज़्यादा तेज़ किसी चीज़ से नचाया जाएगा, तो वोल्टेज 88 की जगह और भी ज़्यादा निकलेगा, 220 250 तक जाएगा। तो चलिए इस बात को साबित करने के लिए एक बार थोड़ा और तेज़ खींचकर ट्राई करते हैं, शायद 88 वोल्ट एसी के ऊपर थोड़ा और ले जा पाए हम। एक बार फिर से बैटरी के तार को जोड़ देते हैं, ये हो गया। अब की आप देख सकते हैं करीब करीब इसने 109 वोल्ट एसी निकाल दिया है, 109 वोल्ट एसी, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से आप एसी वोल्टेज निकाल सकते हैं ऑल्टरनेटर से। तो अब बारी आ जाती है इस 220 वोल्ट और 100 वॉट के बल्ब को टेस्ट करने की, जिसे हम उन तारों पे कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर के जिन तारों पर मैंने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया था, यानी हाई वोल्टेज 220 वोल्ट की साइड पर। आप देख सकते हैं कि बल्ब हमारा कनेक्ट हो चुका है और रस्सी हमारी चढ़ चुकी है। अब बारी है देखने की कि क्या ये बल्ब को जला पाती है, क्या ये ऑल्टरनेटर हमारे बल्ब को जला पाता है 100 वॉट के बल्ब को। और ध्यान देना पड़ेगा कि अभी हम बाहर हैं तो हो सकता है कि बल्ब की रोशनी उतनी ज्यादा ना पता चले। अब देख सकते हैं कि इतनी रोशनी यहाँ पर होने के बावजूद बल्ब हमारा काफी अच्छे तरीके से ग्लो किया है, जिसका मतलब है कि ये बहुत बढ़िया टेक्निक काम कर रही है। और अभी ये जो आपने देखी, ये सिर्फ एक तिहाई पावर है, 1/3, यानी 3 गुनी पावर इसकी और मिल सकती है अगर तीनों तारों का इस्तेमाल किया जाए तो। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नया और अच्छा कंटेंट आपके पास लेकर आऊँगा इस चैनल के थ्रू, जो कि ये मेरा नया द प्रोफेसर हिंदी चैनल है, मैं वैसे ही ला रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा, मैं आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा।